बड़े यूट्यूबर्स ऐसा क्या करते हैं जो उनके चैनल्स पर इतने ज्यादा व्यूज होते हैं, मिलियंस में व्यूज होते हैं। आप देखते हैं कि छोटी मोटी सड़ी सी चीजों पर वीडियो बने होते हैं और उन पर मिलियंस पे व्यूज होते हैं। तो आप क्या करें कि आपके भी चैनल पर व्यूज आए? तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा फंडा मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स थे जो आज बड़े हैं, पहले कभी ना कभी उन्होंने शुरुआत की थी, उनके भी चैनल पर आप ही की तरह 10, 12, 15, 1000, 100 ऐसे व्यूज आते थे। स्टार्टिंग में उनके भी मिलियंस में व्यूज नहीं थे। व्यूज कैसे बढ़ते हैं, चैनल की ग्रोथ कैसे होती है? जैसे ही आपके चैनल पर वॉच टाइम ज्यादा होता है, यूजर रिटेंशन ज्यादा होता है, यानी जो बंदा आपकी वीडियो देखने आ रहा है और वो वीडियो कंप्लीट देख रहा है या ऑलमोस्ट पूरी देख रहा है, तो उस पर मीन्स ये होता है कि YouTube के एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि यार इस वीडियो में यूजर रिटेंशन बहुत ज्यादा है, तो वो YouTube का एल्गोरिदम जो होता है आपकी वीडियो को दूसरे की वीडियोस के बाद सजेस्टेड में डालने लगता है, जिससे आपके व्यूज बढ़ने लगते हैं। तो आप क्या करें कि आपको यूजर रिटेंशन ज्यादा मिले, आपकी चैनल ग्रोथ ज्यादा कैसे हो? तो दोस्तों, इस चीज के लिए मैं आपसे बता दूं कि स्टार्टिंग में आप ये भूल जाइए कि मैंने 10 वीडियोस डाल दी यार व्यूज नहीं आ रहे। अगर दोस्तों आपको अपने चैनल की ग्रोथ करनी है तो आपको बिना व्यूज की चिंता किए आपको बस कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करनी है। आपको टारगेट रखना है कि एक दिन में एटलीस्ट एक वीडियो आप डाल ही दें। स्टार्टिंग के दिनों पे जब आपके सब्सक्राइबर्स 1 लाख 1.5 लाख हो जाएं, तब आप 2 दिनों में 4 दिनों में 1 हफ्ते में भी एक वीडियो डाल सकते हैं, बट उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आपके जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो आपसे जुड़े हुए होते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन होती है कि यार आज रात को इतने बजे इनकी वीडियोस आएगी या इस वीक में इस डे पे इतने बजे इनकी वीडियोस आएगी। तो उससे एक यूजर से कनेक्शन बना हुआ रहता है सब्सक्राइबर्स का। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी चैनल की ग्रोथ हो, तो स्टार्टिंग में जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हो सके आप अपलोड कर लीजिए यूट्यूब पे। कंटेंट का ध्यान रखिए, वीडियो क्वालिटी का ध्यान रखिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप वीडियोस अपलोड करिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक यूट्यूबर की लाइफ में जो सबसे कठिन समय होता है यूट्यूब पर अपने चैनल को ग्रो करने का, वो 100 सब्सक्राइबर्स का होता है। जितना ज्यादा समय 2 से 3 महीने लगभग एक यूट्यूबर को बिना किसी हेल्प के 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करने में लग जाते हैं कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करने के बाद, और फिर उसका ऑलमोस्ट हाफ टाइम लगता है 100 सब्सक्राइबर से 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंचने पर, फिर उसके बाद आपके 10,000, 50,000 और 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार अगर मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे तो मैं 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करूंगा और 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे होंगे और मेरा मोनेटाइजेशन एक्टिवेट कैसे होगा, फाइनली आप तो यही सोच रहे हैं कि यार मेरा मोनेटाइजेशन मुझे एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तो वो नहीं हो रहे। आप इस चीज को साइड में रख दीजिए। आप सोचिए कि आपका 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स हो गया है, इतने ही व्यूज आ रहे हैं, 10, 15, 12, 100, 200, 300 इतने व्यूज आ रहे हैं और आपका ये कंप्लीट हो गया। तो ऐसे व्यूज का काम ही क्या दोस्तों, जब आपके चैनल पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं तो यूट्यूब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर आप एक अप्रोक्सीमेट निकालते हैं किसी यूट्यूबर की यूट्यूब अर्निंग्स का अप्रोक्सीमेट निकालते हैं, तो अगर वो टेक चैनल है तो 5,000 से 7,000 व्यूज के बीच में $1 मिलता है। तो क्या आपके चैनल पर इतने व्यूज आ रहे हैं कि आपको लाखों में अर्निंग हो पाए? $1 5,000 से 7,000 व्यूज के बीच में मिलता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। आपको यूजर रिटेंशन मेंटेन करके रखना है कि मैं क्या करूं जो यूट्यूब पर मेरी वीडियोस का जो वॉच टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो, बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों, यूट्यूब में ग्रो करने का सबसे सिंपल और तरीका यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करते रहिए, आपका जो भी टारगेट है उस पर लगे रहिए, डेली 1 वीडियो दीजिए, डेली 2 वीडियो दीजिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियोस देते रहिए, क्योंकि अगर आपकी एक भी वीडियो अगर वायरल हुई दोस्तों, उस पर 1,20,000 व्यूज आए, तो अगर आपकी उस वीडियो को 2 मिनट भी पर यूजर ने देखा तो वो 2,40,000 मिनट्स हो जाते हैं, जो कि 60 से डिवाइड करने पर 4000 घंटों का वॉच टाइम हो जाता है। तो एक ही वीडियो ने आपका पूरा वो टारगेट थ्रेशोल्ड जो है कंप्लीट कर दिया। तो बस आप
फोकस करिए अपने वीडियोस बनाने पे, आप कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करते रहिए, और जैसे ही आपकी एक वीडियो वायरल होगी तो YouTube का एल्गोरिथम ऐसा होता है दोस्तों कि अगर किसी यूजर ने आपकी वो एक वीडियो देखी हुई है तो उस यूजर को आपकी दूसरी वीडियो भी सजेस्ट होती है। और अगर आपने कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड की हुई है, अच्छे टैग्स दिए हुए हैं, तो आपकी वीडियो सजेशन में जाती है जिससे आपके व्यूज बढ़ते हैं। तो पहले 100 सब्सक्राइबर्स के लिए आप खुद को एटलीस्ट 3 महीने दीजिए। पहले 100 सब्सक्राइबर्स के लिए बिना कुछ सोचे समझे 3 महीने तक कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करते रहिए। 3 महीने मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, एक वीडियो पर डे के हिसाब से 100% आपका 3 महीने में 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मैं ये दूसरे यूट्यूबर्स के एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ। और जैसे ही 3 महीने होते फिर उसके बाद 1.5 महीने में आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और व्यूज आने लग जाएंगे और आपका चैनल ग्रो कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आज की इस वीडियो में बस आपसे यही बताना चाहता था कि आप अपने चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं, 100 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोस्तों आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।